32BX350 फॉल्ट है, डबल इमेज कलर प्रॉब्लम। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर जंपिंग दिख रही है, पूरी पिक्चर जो है उसमें कलर की भी दिक्कत आ रही है और पिक्चर जंपिंग भी है। ठीक है, पहले हम आपको समझाएंगे बोर्ड पे कि ये दिक्कत आती कैसे है, उसे चेक करने का सही तरीका क्या है। अब देखो, जब भी डबल इमेज या कलर प्रॉब्लम की टॉपिक आती है तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कलर प्रॉब्लम क्यों है ना। डबल इमेज ठीक है, हम गेट लाइन की प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसमें जंपिंग हो सकती है, दो दो पिक्चरें दिखना वगैरह, और कभी कभी वर्टिकल बार्स आते हैं, वर्टिकल बार्स जो कि गेट के फॉल्ट है। लेकिन कलर की फॉल्ट तो ऑफ एरिया की है, पिक्सल एरिया की है, जहाँ पर RGB रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पर पिक्सल्स लगे हुए पूरी स्क्रीन पे। ये जो स्क्रीन की बात कर रहा हूँ वो 1366 रिजोल्यूशन वाली है। तो कलर की प्रॉब्लम क्यों है ना, तो कलर की प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो गेट सिग्नल है ना अंदर जाते हैं, इतने करीबी होते हैं, जैसे CKV1 और CKV1 अंदर गए, वो इतने करीबी होते हैं कि आपस की सॉर्टिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज ये जो ट्रैक बनी होती है ITO से बनी होती है, ITO इंडियम टिन ऑक्साइड, और जो कॉर्नर की जो ट्रैक बनी होती है जो गेट लाइंस की, ये इंडियम टिन ऑक्साइड होती है बीच के पिक्सल एरिया में ट्रैक्स बनाने के लिए। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स। अब यहाँ पर गोल्डन प्रिंट लगा दोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइनें दिखेगी ना स्क्रीन पर, तो वो नहीं करना है, इसलिए इंडियम टिन ऑक्साइड यूज किया गया है अंदर की ट्रैक है बनाने के लिए पिक्सल एरिया की। और जो कॉर्नर की ट्रैक्स हैं वो गोल्डन प्रिंट्स की होती है, मतलब गोल्ड प्लेटेड होती है। ओके, तो ये जो गोल्ड प्लेटेड ट्रैक्स होती है इतनी करीबी होती है, और साथ ही साथ अंदर जो ITO होती है जो पिक्सल एरिया में होती है, जो गेट सिग्नल और जो वर्टिकल सिग्नल है, जो मतलब RGB सिग्नल है, ये दोनों को मिलाने का काम, जो इलेक्ट्रोड्स है उसके साथ कनेक्शन देने का काम, VCOM वगैरह कहाँ जाता है, कॉमन इलेक्ट्रोड में जाता है। जैसे VCOM कैसे बना हुआ है, ठीक है, TFTS है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिससे कि क्रिस्टल को हिलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम ये करता है। गेट सिग्नल पे जब VGH आता है, ठीक है, VGH यहाँ पर क्या है, इस तरह की पैनल में क्या है, CKV सिग्नल्स, जब हाई सिग्नल आता है तब ये ऑन होता है, सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज फ्लो होता है। तो ये वोल्टेज फ्लो होने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना, तो ये रास्ता होता है इलेक्ट्रोड्स का, कॉमन इलेक्ट्रोड, इसको दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो VCOM। ठीक है, तो हम जो VCOM सप्लाई देते हैं 5.6 वोल्ट की, वो क्या है, इलेक्ट्रोड्स जो कॉमन इलेक्ट्रोड्स होते हैं अंदर, ठीक है, उनमें कॉमनली जाता है, हर एक में पैरेलली जाता है। अब ये जो सिग्नल फ्लो हो रहे हैं ना ऐसे करके, इसके वजह से हमें पिक्चर दिखती है, बिकॉज जो जगह से लाइट पास करना है वहां पे क्रिस्टल का अलाइनमेंट हो जाता है। दो पोलराइज सीट भी होती है अंदर, वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल, मतलब बैकलाइट के साथ हॉरिजॉन्टल लाइट पास होती है, और जो हम देख रहे हैं ये बाहर की साइड वो होती है वर्टिकल लाइट पास होगी, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होगी। अगर जो दोनों हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल वर्टिकल, तो व्हाइट लाइट दिखेगी आपको। ये क्या होगा कि यहां से लाइट पास हुई और यहां जाके बंद हो गई, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइट पास हुई, यहां पे वर्टिकल लाइट पास होने का है, हॉरिजॉन्टल लाइट ब्लॉक करने का, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल यहां पे ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल लाइट, तो अब क्या यहां पर बाहर नहीं जाएगी लाइट, पास नहीं होगी, क्रिस्टल जब जगह देगा तभी पास होगी। इस तरह से इसकी LCD की रचना की गई है अंदर, और जो पिक्सल्स है उस कलर के थ्रू जब जाएगा लाइट वो कलर दिखेगा, तो कलर फिल्टर्स भी यूज किए गए हैं। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि गेट लाइंस एंड CKV सिग्नल्स ये जलते जलते पिक्सल एरिया तक आ जाते हैं, कलर प्रॉब्लम, ठीक है, जंपिंग के साथ कलर प्रॉब्लम, ये बड़ा दायरा हो जाता है। इस टाइप में रिपेयरिंग की जो संभावनाएं घट जाती है, क्यों, क्योंकि अब पिक्सल एरिया तक बात पहुंच चुकी है। अगर जो दोनों साइड की गेट लाइंस, जैसे कि CKV1 एक सिग्नल है, CKV2 दूसरी जोड़ी है, अब ये दोनों सिग्नल्स अगर जो खराब हो जाए तब तो आपकी दोनों फ्रेम ही खत्म हो गई। ठीक है, ये एक फ्रेम है, एक फ्रेम इसमें चल रही है,
एक फ्रेम इसमें चल रही है, एक फ्रेम इसमें चल रही है, तो ये समझ लो कि ये दोनों लाइन जो है ना इसमें एक ही फोटो है और ये दोनों लाइन्स में एक ही फोटो है, ठीक है। ये दूसरी सिक्वेंस की और ये पहली सिक्वेंस की, ये दोनों में फोटो एक ही है और ये पैरेलली इतने सारी लाइंस को कनेक्ट करने के लिए CKV2 और CKVB2 का भी यूज किया गया, ऊपर से नीचे तक कवर करना है ना पूरा रास्ता। अगर जो CKV1 और CKVB1 से पैरेलली कनेक्ट किया होता तो कितनी तारे हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या किया कि CKV1 और CKVB1 को एक जोड़ी से हाफ को कंट्रोल किया गया, CKV2 और CKVB2 से अर्धे को कंट्रोल किया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी जो लाइन है ये कवर हो गई, लेकिन स्पार्किंग के वजह से पिक्सल एरिया में फॉल्ट आ गया जिसके वजह से डबल इमेज प्लस कलर प्रॉब्लम आए। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सॉर्टिंग कौन सी लाइन में है, इस लाइन में है और इस लाइन में। देखो इस दोनों लाइन में फॉल्ट हो फिर भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस कम है। देखो एक है CKV1 और VB1 लेफ्ट साइड की खराब है, हमने कट कर दी, ठीक है। लेकिन CKV2 और VB2 भी खराब है, हमने राइट साइड की कट की, राइट साइड में था वो दिक्कत, एक लेफ्ट में थी और एक राइट में। तो ये दोनों ट्रैक में से एक कोई सिग्नल बचा हुआ होना चाहिए और ये भी सिग्नल बचा हुआ होना चाहिए, ठीक है, किसी एक साइड में, किसी एक साइड में दूसरा वाला, एक जोड़ी एक साइड में और दूसरी जोड़ी दूसरी साइड में, तो आप पिक्चर बना सकते हो कंप्लीट। अगर जो दोनों ही जोड़ी खराब हो जाए तो फिर नो पिक्चर, ठीक है, नो पिक्चर हो जाएगा। तो हम आज देखेंगे कि आज जो हमारा वीडियो है जो आपने देखा फॉल्ट, उसे हम कैसे रिपेयर करेंगे। वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज सब बनता है वो, और जो बक वोल्टेज बनता है कैसे बनता है, 12 वोल्ट जो फ्यूज से आए टिकॉन से, ओके, टिकॉन में इनपुट हुआ जो यहाँ पर से 12 वोल्ट वो यहाँ पर आ गए, यहाँ से फर्स्ट वोल्टेज इनपुट हो गया, इससे 3.3 वोल्ट आउट होगा। देखो ये 3.3 वोल्ट और कहीं नहीं ऑफ की सप्लाई है, ओके, और 16 वोल्ट भी इसमें जो बने हुए हैं ये भी कॉफ की सप्लाई है, ओके। 16 वोल्ट कैसे बनेंगे, यहाँ पर जो 12 वोल्ट आ रहा है ये सोर्स पिन पे कनेक्ट हो रहा है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पिन, फिफ्थ और सिक्स शॉर्ट है और फर्स्ट एंड सेकंड शॉर्ट है, ये क्या है, ड्रेन पिन है आउटपुट पिन, ये पी चैनल मॉस्फेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर गेट ड्राइव जो आ रही है GD फॉर गेट ड्राइव, ये गेट ड्राइव भी कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ठीक है। ये गेट ड्राइव तभी मिलेगी जब यहाँ पर सब कुछ सही होगा गेट एरिया में, गेट ड्राइव इसलिए दे रखी है, इसको देने का कारण है कि कॉफ जला ना दे स्पार्किंग से, ठीक है। तो ये जैसे स्पार्किंग नजर आता है अंदर की साइड में, ये बंद हो जाते हैं बूस्ट वोल्टेज, ये क्यों बंद होते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज आना बंद हो जाता है यहाँ 12 वोल्ट, ठीक है, ये मॉस्फेट के थ्रू पास होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा उस समय पे यहाँ 12 वोल्ट होगा, नॉर्मली लगभग 8 वोल्ट के करीब रहता है, ठीक है। ऑन स्टेटस में, ऑन स्टेटस में 12, ऑफ स्टेटस क्या होगी, 12 वोल्ट आ जाएगा इधर और यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ पर कोई बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, 16 वोल्ट नहीं बनेंगे, 16 वोल्ट नहीं बनेगा तो VGH VGL नहीं बनेगा, ठीक है, जिससे कि नो पिक्चर रहेगा अगर जो आपकी हाई वोल्टेज सिग्नल नहीं बन रहे तो। गेट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है वो 12 वोल्ट, ठीक है। ये 12 वोल्ट होने की वजह से सोर्स पे आने वाले 12 वोल्ट नो मोर ड्रेन पे निकलेंगे, ये ड्रेन पर नहीं पहुंचेंगे, सोर्स पर ही रुके रहेंगे, ठीक है, जिससे कि रास्टर नहीं बनेगा, कॉफ के ऊपर वोल्टेज नहीं आएगी। Thank you.
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यूनिवर्सल बोर्ड कनेक्ट किया है डबल इमेज की प्रॉब्लम को देखने के लिए। बैकलाइट टेबल पे हमने स्क्रीन रख दी। मेरी थ्योरी के हिसाब से टॉप साइड में टिकॉन हो तो राइट साइड की गेट सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है, और बॉटम साइड में प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट साइड की ट्रैक्स, जो गेट ट्रैक्स है, उसे कट करना होता है। यहाँ पर मैं राइट साइड की कट कर रहा हूँ बिकॉज इसमें जो फिटिंग थी वो टॉप टिकॉन की थी, तो जितने भी गेट सिग्नल्स हैं यहाँ पर उन सभी को मैं यहाँ पर कट करूँगा।